So guys, till now I have cleared 6 rounds of interview of different airlines and 1 cabin crew interview of Go Air. Till now I have 40 plus selection with the span of 4 months. So guys, अगर आप भी बनना चाहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री का हिस्सा, तो ज्वाइन कीजिए मेरा क्रैश कोर्स. क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले दो प्लेलिस्ट जरूर देखिए, एक है इंटरव्यू कंटेंट और दूसरा सिलेक्टेड सब्सक्राइबर. सो गुड इवनिंग एविएशन लवर्स, मेरा नाम आशीष कुमार साहू और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल एविएशन लाइफ में. तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, अगेन एंड अगेन बैक टू बैक वैकेंसीज आर देयर फॉर द इंडिगो एयरलाइंस ग्राउंड स्टाफ जॉब्स. तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन का दबाएं. वन मोर थिंग कि मेरा टेलीग्राम चैनल भी है ना, उस पर मैं सबसे पहले फास्ट वे में वैकेंसीज को अपडेट करता हूं. पर क्या होता है, हमें लेट पता चलता है वैकेंसीज के बारे में और हमें वीडियो बनाने में टाइम लगता है गाइस, जिसमें मैं सबसे फास्टेस्ट वे में वैकेंसी को अपडेट करता हूं. तो गाइस, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और पाइए सबसे फास्ट वैकेंसी. तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को. तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था, वैकेंसी आएगी और फिर से आएगी. तो गाइस, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. तो अब जो वैकेंसी आई है, सो गाइस, बगल में आपके खुल गया होगा टैब जिसमें मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि वैकेंसी कैसी आई है, अप्लाई कैसे करना है, किन किन जगह के लिए है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या आप एलिजिबल है नहीं, क्या फ्रेशर एलिजिबल है या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग. गाइस, बने रहिए वीडियो के साथ. तो जैसे कि आप बगल में देख रहे होंगे, स्टेप है कि आपको गूगल क्रोम खोलते ही आपको टाइप करना है इंडिगो परम में आप क्लिक मारेंगे तो उसमें सबसे पहला आएगा जॉब्स एट इंडिगो. उसमें क्लिक मारिए. जॉब्स एट इंडिगो में क्लिक मारते ही गाइस, पूरी की पूरी जॉब वैकेंसीज आ जाएगी. कल ही की डेट में एक वैकेंसी आई थी, वो थी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव फॉर रैम्प, है ना, जिसमें 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था और उसमें हमने वीडियो बना दी गाइस. दे इज वन मोर वैकेंसी, है ना, वन मोर वैकेंसी जो अभी आई है, रैम्प के लिए फिर से वैकेंसी आई है. ये लोड एंड ट्रिम, है ना, स्किपर बोलते हैं इसे. क्या बोलते हैं गाइस? स्किपर बोलते हैं. तो इस वीडियो पे आपको इसके ऊपर क्लिक मारना है. वीडियो पे क्लिक मारते ही आपको पूरी चीजें दिख जाएगी. तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. पहली चीज डिस्कस करते हैं कि वैकेंसी है किसके लिए, इसमें आप एलिजिबल है कि नहीं. दैट इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन. एक चीज और, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के बाद आपका जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट जमा कीजिए और डिग्री जमा कीजिए या प्रोविजनल डिग्री जमा कीजिए, तो वहां पकड़े जाएंगे. इसके लिए गाइस, वही एलिजिबल हैं जिन्होंने जो है जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है. गाइस, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी डिग्री है, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीई हो, या दुनिया की कोई भी बीए हो, या बी एरोनॉटिकल हो, आर्किटेक्चर हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता गाइस, है ना. तो आप, अगर आप ग्रेजुएशन हैं, आप ग्रेजुएटेड हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. बात करते हैं गाइस, इसमें डिपार्टमेंट कौन सा है. ये वैकेंसी आई है रैम डिपार्टमेंट के लिए. रैम डिपार्टमेंट ही गाइस बहुत ही एडवेंचरस जॉब है. तो आपको अगर जानना होगा कि रैम डिपार्टमेंट की ड्यूटीज क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो गाइस ऊपर एक वीडियो आ रहा होगा, आई बटन में ऊपर एक वीडियो आ रहा होगा, तुरंत उसमें क्लिक मारिए और आप जान सकते हैं कि क्या क्या रैम डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. बताई है रैम डिपार्टमेंट की वीडियो में जो बताया है. अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि टेल मी द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रैम्प ऑफिसर, तो गाइस अब उन्हीं चीज़ों को लाइन से बता दीजिए, आपका सिलेक्शन डन है गाइस, अगर आप उसको बताते हैं तो. बात करते हैं आगे, आपको पता चल गया कि जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको पता चल गया कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी, ये ग्राउंड स्टाफ है गाइस, है ना. अब बात करते हैं कि जॉब है जो है फुल टाइम है और जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ पे है. सो गाइस, अब की बार जो वैकेंसी आई है वो है कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, रांची, पटना, रायपुर, शिलोंग. इन सात बेसिस की लाई है वैकेंसी. तो आप अगर नौकरी करेंगे तो आप इन जगहों पे नौकरी करेंगे, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, रांची, पटना, रायपुर, शिलोंग. सो गाइस, इन दिस इज द वेन्यू फॉर द इंटरव्यू लोकेशन. एक चीज और, अगर आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें दिखाएगा प्रेफरेंस इंटरव्यू लोकेशन. आप कहीं भी चूज कीजिए, लेकिन इंटरव्यू वहीं होगा जहां के लिए वैकेंसी आई हुई है गाइस, ठीक है. तो ये है लोकेशन फॉर द इंडिगो एयरलाइंस न्यू जॉब इंटरव्यू, ठीक है. इस फॉर्म को भरने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, राइट. एविएशन की गाइस सबसे अच्छी चीज यही है कि आपको फॉर्म भरने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपको फॉर्म भरने के लिए किसी को कोई पैसे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट. अब आपके मन में होगा कि इस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई, है ना, इसमें जो
एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक से गाइस एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 से 7 साल का। ओनली एविएशन सर्टिफाइड रैम स्टाफ नीड टू अप्लाई। इसमें एक चीज़ और लिखी है कि अगर आपके पास सर्टिफाइड रैम स्टाफ है तो भी अप्लाई कीजिए। ऐसी वैकेंसी पोस्ट हुई है 16 सितंबर 2021 को, वैकेंसी पोस्ट हुई गई 16 सितंबर 2021 को। ये चीज़ें हो गई, आपको पता चल गया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन, कोई परसेंटेज बार का कुछ नहीं है यहाँ पे, ये गाइस 1 से 7 साल का एक्सपीरियंस। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें चाहिए लोकेशन, लोकेशन है गाइस कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, रांची, पटना, रायपुर एंड शिलोंग। डेजिग्नेशन है एग्जीक्यूटिव AOCS इन द रोल ऑफ रैम्प, रैम्प की ये ड्यूटी है। तो अगर अब आपके मन में सवाल उठता है कि भाई से मैं अप्लाई कैसे करूं, तो ऊपर अगेन एक वीडियो आ रहा होगा हाउ टू अप्लाई, तो उसमें क्लिक मारिए और आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। राइट, मैंने ऐसे देखा कि लोगों को प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो आप जो है ऊपर जाके वीडियो को देखिए, क्लिक मारिए और सीखिए फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, और वैसे ही आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। राइट, ये चीज़ें हो गई है ना। अब आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग का CV शॉर्टलिस्ट नहीं होता। तो गाइज, मैंने एयरलाइंस में बहुत दिनों तक काम किया है, मुझे एयरलाइंस इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा तजुर्बा है। तो अगर आप 3-4 चीज़ों, अगर आपका CV कभी शॉर्टलिस्ट नहीं होता, अगर आप एयरलाइंस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं लेकिन आप जा नहीं सकते, तीसरी चीज़ ये कि अगर इसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है, अगर आपसे आपके इंस्टीट्यूट वाले कोई आसपास के इंस्टीट्यूट वाले बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं, 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये, तो आपको वहाँ भी पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है गाइस, आपको सिंपली मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, फुल मीट में जो है लोगों को पढ़ाता हूँ, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें सिखाता हूँ कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। बगल मेरा नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप मैसेज भेजिए। गाइज, मैं जो है क्रैश कोर्स भी रन करता हूँ, कल 17 तारीख है और कल से जो है मेरे क्रैश कोर्स की बैचेस चालू हो रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं आपका बनाता हूँ CV, प्रॉपर रेज्यूमे बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से अप्लाई कैसे करना है, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और उन क्वेश्चन का जवाब क्या देना है। होता क्या है कि उम्मीद करता है और आप जो है कुछ और ही बोल के आ जाते हैं, इसलिए आपका गाइस सिलेक्शन नहीं हो पाता। और भी बहुत से तरीके हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो गाइस एक चीज़ और बता दूं कि मैंने आज तक जो है 6 एयरलाइंस के इंटरव्यू निकाले हैं फॉर ग्राउंड स्टाफ और 1 केबिन क्रू का इंटरव्यू निकाला है। आज तक हमारे कोचिंग से जो है 50 लोग हो चुके हैं सेलेक्ट, फॉर ग्राउंड स्टाफ, फॉर एयरपोर्ट लॉन्च, फॉर होटल एंड फॉर द कैबिन क्रू, सब चीज़ों में हो चुके हैं सेलेक्ट। तो गाइज, मेरे पास बहुत ही अच्छा इंटरव्यू का तजुर्बा है, मैंने खुद एयरलाइंस में काम किया है, मुझे पता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। जितने भी एविएशन लाइफ आर्मी को बिलोंग करते हैं, तो टेलीग्राम में मैसेज आ गया होगा कि गाइज करना क्या है, ठीक है। एविएशन लाइफ आर्मी वाले को मैसेज, एविएशन लाइफ आर्मी को मैसेज आ गया होगा टेलीग्राम ग्रुप में कि क्या करना है, ठीक है। चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई गाइज, ठीक है। तो ये बता दूं कि मैं ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराता हूं लोगों को इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, जिसमें मैं खुद पर्सनली एक एक्स एयरलाइंस एम्प्लॉय आपको सिखाएगा कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है ना, हर चीज़ सिखाऊंगा, कैसे क्या बोलना है, क्या रिस्पॉन्स देना है। तो अगर आप क्रैश कोर्स के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो ऊपर एक वीडियो आ रहा होगा, तो उस वीडियो को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि क्रैश कोर्स में मैं क्या क्या सिखाता हूँ, एंड आई गिव अश्योरेंस दैट यू विल गेट सेलेक्टेड। वन मोर थिंग, आप जो है कैबिन क्रू का भी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं दोनों पढ़ाता हूँ, कैबिन क्रू ग्राउंड स्टाफ दोनों का पढ़ाता हूँ, तो आप जो है उसको भी देख सकते हैं, उसकी भी वीडियो आ रही होगी, ठीक है। तो ये है गाइस फॉर द न्यू वीडियो, फटाफट से अप्लाई करो वैकेंसीज के लिए बिना सोचे समझे, है ना। जो एक्सपीरियंस है गाइस वही अप्लाई करें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ओनली एविएशन सर्टिफाइड रैम स्टाफ नीड टू अप्लाई, है ना, ओनली एविएशन सर्टिफाइड। लेकिन एविएशन लाइफ आर्मी वालों को पता है कि क्या करना है, टेलीग्राम में मैसेज आ ही गया होगा, तो टेलीग्राम लिंक फटाफट से गाइस ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल फटाफट से गाइस ज्वाइन कीजिए। तो मैंने जैसे बोला था वो बात सच हुई, क्या गाइस मैंने बोला था वो बात सच हुई, तो इसके लिए तो एक सब्सक्राइब बटन बनता ही है, ठीक है। बोला था ना वैकेंसीज आएगी, वेट करो, और अगली महीने जो है ना वैकेंसी का संभाल नहीं पाओगे, वैकेंसी अगले महीने जो है वैकेंसी संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। एक चीज़ और, ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए कोई हाइट रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई BMI रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कैसे देखते हो वो रिक्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश कम आती तब भी चलेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इंग्लिश स्पोकन की भी इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मेरे खुद के जो दोस्त हैं वो बिना इंग्लिश बोले भी सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द पैरामीटर, आप पैरामीटर में फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको 15 दिन तक लगातार पढ़ाऊंगा और जो है आपको जो है इतना कोच कर दूंगा कि आप दुनिया का कोई भी ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू या फिर कैबिन क्रू का इंटरव्यू निकाल लो गाइस। तो ये हो गया क्रैश कोर्स के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं,
अगर आप इंटरेस्टेड है तो बिना सोचे समझे जो है मैसेज भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 7999508444 है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि दैट क्रैश कोर्स इज पेड, है ना, पेड, वो पेड क्रैश कोर्स है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, होता क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप इंटरव्यू निकालना चाहते हैं, आप जो है अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। होगा कि आप फिर वेट करोगे, यहाँ वैकेंसी आएगी, वहाँ वैकेंसी आएगी। मैं आपको सारे दाव पेज सिखाऊंगा, कैसे नौकरी लेनी है, कैसे ट्रांसफ़र लेना है, कैसे अंदर जाके प्रमोशन पाना है, कैसे दूसरों को साइड करना है, सारे दाव पेज से जो है गाइस मुझे तजुर्बा है हर एक चीज़ का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं गाइस, तो फटाफट से जो है बटन दबाइए सब्सक्राइब का और क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए जो कि कल से चालू हो रहा है, राइट। मैं उसमें CV बनाऊंगा, पूरा तरीका बताऊंगा, ऊपर वीडियो आ रही होगी, आई गेस देख चुके हो आप लोग, आई बटन में क्लिक मारोगे तो सारी की सारी वीडियोस आ जाएगी। एक चीज़ और, आप जो है जेट एयरवेज में वैकेंसी है तो उसके लिए भी अप्लाई कीजिए, एयर इंडिया सेट्स की वैकेंसी है उसके लिए भी अप्लाई कीजिए, उसके भी वीडियो आ रहे होंगे ऊपर आई बटन में, एयर इंडिया सेट्स का और जेट एयरवेज का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ये चीज़ें आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ पर पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हैं गाइस। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल, राइट। जा कहाँ रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, सब्सक्राइब बटन कौन दबाएगा, सब्सक्राइब करो यार। तो अगले मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, बाय बाय, डू एंजॉय डे गाइस, है ना, बाय बाय गाइस।